चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक अद्भुत गवाही को सुनते हैं जो इस बहन की है जिसमें 20 साल से दुष्टात्मा थी। आइए इनसे पूछते हैं। मैं 20 साल से दुष्टात्मा से जकड़ी हुई थी। तो दुष्टात्मा मेरे अंदर थी 20 साल से, बहुत परेशान किया और गाली गलौज भी किया और मेरे को पंखे से भी पंखे जैसे घुमाती थी और मेरे को फांसी दे देती थी। कभी मेरी जिठानी में बढ़ जाती, कभी मेरे जेठ में, कभी मेरे बच्चों में, बहुत परेशान करती थी। कभी किसी चुबारे किसी के कोठे पे ले जाती दुष्टात्मा, कभी टेम्पू को लात मारती तो चला देती, 20-20 जनों से काबू नहीं आती थी। फिर 15 पुट्ठे लटका देती थी, दीवार के ऊपर चलाती थी, पंखे के जैसे घुमा देती थी और मेरे सारे कपड़े पाड़ने की कोशिश करती थी। लेकिन बहुत गंदा बोलती थी, पड़ोसियों के घर पर जाके गाली निकालती थी, किसी को कुछ कहती, कुछ किसी को कुछ कहती थी। कभी मैं परेशान, कभी मेरे जड़ में ठीक हो जाती थी तो प्रार्थना करती तो ठीक हो जाती थी, बाद में फिर आ जाती थी। कभी कहती तू मर, तेरे को लेके जाऊंगी। मेरे को सामने से आके खड़े हो जाते, पूरे साथ दुष्ट आत्माएं मेरे सामने खड़ी होकर बोलती मैं तेरे को लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी। कभी अपनी मुंडी उतार के तो मेरा आपके हाथ में लेख रहती, तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकालती, दांत निकालती थी, बहुत जबन भयंकर डराती थी। फिर मैं डर जाती थी, फिर भी मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा। मैंने परमेश्वर तू ही है मेरे को बचाने वाला, फिर भी मेरे परमेश्वर ने मेरे को जिंदा रखा। मेरी छोटी सी लड़की है जो मैं फांसी लेने वाली थी, मेरे को तो पता नहीं है, अभी घर वाले बता रहे थे। मैं पूरी इतना मजबूत रस्सा था जो अपने कुई निकालते वो वाला रस्सा था, इतना मजबूत, और उससे मेरे को लटका दिया ऊपर गार्डर में, गार्डर पे लटका दिया। 5 मिनट गार्डर तक मैं लटकी रही। फिर बाद में मेरी छोटी सी बच्ची ने आवाज़ लगाई, कहती ताई ताया जल्दी आओ, मम्मी ने फांसी ले ली। तो मेरे को तो पता नहीं, अंदर से कुंडी लगा रखी थी, लड़की ने कुंडी खोली और कुंडी खोल के जेठ और मेरी जिठानी ने मेरे को उतारा और बस मैं ठीक हो गई। उसके बाद प्रार्थना में चर्च में आए, चर्च में प्रार्थना करे पास्टर जी से, तो मैं पास्टर जी ने मेरे को चंगा कर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया।